सी मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है पीछे खड़ा है उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और इस फिल्म में यही खासियत है। इस करके इतने लोगों को हमारे देश में, देश के बाहर, चाइना में, फिजी में, हर जगह लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर सी माय फिल्म, इट्स रियली ऑल ऑफ अस टुगेदर हु इज डन इट। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज एक्सेप्शनल अबाउट दिस फिल्म। देखिए मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज अब फिल्में करती नहीं, क्योंकि फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कभी कभी वो करती थोड़ा कम है, ये तो सब आपको मालूम है, पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया, 2000 करोड़ हो गया, भगवान करे खुश रहें वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है, हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग, जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं, जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मच मोर देन एनीथिंग एल्स। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन, ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस फिल्म एंड टॉक्ड अबाउट इट, थैंक यू। अरे मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला यार, तुम मुझे तो पूछे नहीं, बेस्ट फिल्म भी मिला ऐसा कहता यार, मेरे को तो तुम पूछा ही नहीं। हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है, बेस्ट डायरेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं, मुझे भी अवार्ड मिला है, बेस्ट एडिटिंग को भी मिला है सर, सर को 4 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर। तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई एक इंसान को एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर के एडिशन में या किसी भी अवार्ड एडिशन में 4 अवार्ड्स मिले हैं। तो ये सवाल एक्चुअली आपको सर से पूछना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म फेयर, आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोला नहीं है, आई एम सो थैंकफुल, इट वॉज सच ए प्लेजेंट सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच, आई मीन रियली आई एम वेरी वेरी मूव्ड, थैंक यू फिल्म फेयर। See, for me, the journey, people have changed, our way of looking at cinema has changed, but what is very, very important is that you should not change. I have tried not to change. I'm still here celebrating 100 days with my crew. It's very important that we don't change, because the tragedy is that when we change, then everything changes. So that's what I believe. बहुत खुश हूँ इस फिल्म का हिस्सा बनी, मैं उसी में इतनी खुश थी, ये जो सक्सेस मिला ये तो बोनस ही है, बट बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है विधु सर के साथ काम करके, कास्ट के साथ काम करके, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। गाइस आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों से सवाल रहे? अरे इसका तो वो एक्टर वाला सवाल रह गया। नहीं नहीं, बेस्ट एक्टर का सवाल पूछो ना। आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है, सर ने दे दिया है कि इट इज़ आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर, और ये एक्चुअली यू नो एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसिस की तरफ से और फ्रिटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है, एंड दी ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, कि इन दी एज ऑफ 100 क्रोज इन दी एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेज, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज कर रही है, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में। तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आप दोनों से सवाल रहेगा, जिस तरह आप दोनों का किरदार है, जिस तरह आपने पैक किया इनको, इस तरह का फ्रेंडशिप, इस तरह का फ्रेंड लाइफ में होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, आप अगर ये किरदार निभाते हैं, आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? Yeah. And also your character, tell us something about it. Come on, Bulbul.
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का कि इस भाव को सर के इतने बड़े ये बड़ा भाव है ना इस 12th फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की और सब ने समझा उसको सराहा सफलता मिली अवार्ड्स मिल रहे यह बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव मेरे लिए तो ऐसी भाव जगी जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने लिख के आई और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले तो उसमें भी एक जीत होती है। किसी एक की जीत है तो हजार भेड़ बकरी की जीत है। सर ऑलमोस्ट हर बार ही लेकिन अगर हम 12th फेल की ही बात करें तो मेरे लिए एक्चुअली एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था मेरे करियर में क्योंकि सच अगर कहें तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम मनोज का रोल प्ले करोगे इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुझे कोई नहीं जानता बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते तू काम कर रहा है इतने सालों से लेकिन वो सच है वो भी एक मेरा रीस्टार्ट मोमेंट था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ इतनी बड़ी कहानी के साथ जो किताब ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग जिसकी ऑलरेडी हो चुकी थी उसको अडेप्ट करके एक फिल्म में बनाना इतनी कमाल की टीम के साथ काम करना वो भी मेरे लिए एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था। आई हैड टू गो बैक आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद सर। मैं सर के साथ लगभग 2.5 साल से था उस फिल्म पर तो रीस्टार्ट मोमेंट हर रोज होता है यू नो हर अलग सेट पे होता है यू नो एवरी डे यू वेक अप इज अ रीस्टार्ट मोमेंट। थैंक यू नाउ वी विल गेट रियल मनोज यस कम।